स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे मैस ऑफ अर्थ। स्टूडेंट हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था F=gm1m2/r का स्क्वायर, और इसी तरीके से एक और फार्मूला जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा था gme/re का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने दो फार्मूले पढ़े थे। अब वो कह रहे हैं कि ये जो दो फार्मूले हैं F=gm1m2/r² / me/re का स्क्वायर, इसमें से आप क्या कम करें, मैस ऑफ अर्थ फाइंड करें, ठीक है। ये हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है, ठीक है। ये ई जो है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैस ऑफ अर्थ को हमने क्या कम करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये एक मैथमेटिकल आर्टिकल है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी इक्वेशन से हम क्या कम करेंगे, मैस ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे F=gme/re² gme/re² हमारे पास me क्या है, मैस ऑफ अर्थ, g इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट और m इज मैस, ठीक है। re रेडियस ऑफ अर्थ। तो डियर स्टूडेंट ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये जो सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है e, ठीक है, इसका मतलब है अर्थ और e का स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये जो से हमारे पास फोर्स होती है, ठीक है, इसको अगर हम देखें कि न्यूटन ने जो इसको डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन F=ma। अब स्टूडेंट जो एक्सीलरेशन है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आती है, जमीन की तरफ आती है, जो उस वक्त उस वजह से हमारे पास क्या पैदा होता है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। तो हम ये जो सा एक्सीलरेशन होगा F=m एक्सीलरेशन जी, ठीक है। बेसिकली ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है, ठीक है। तो हम ये जो फोर्स है इसकी जगह हम लिख देंगे एम जी, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इधर से एम और एम कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है। जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इधर से हमने फाइंड करना है मैस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मैस ऑफ अर्थ इधर से हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जी आर ई का स्क्वायर। ये जो सा आर ई का स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, जी एम ई। तो हमने बेसिकली मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना चाह रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू एम ई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अगर हम क्या काम करें, ये हमारे पास मैस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है, एम ई इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, इसकी वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ का क्या फॉर्मूला है, क्या इसका इसकी वैल्यू है 6.4 × 10⁻⁶। जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसकी वैल्यू 6.4 × 10⁶ मीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि रेडियस का स्क्वायर 6.4 × 10⁶ मीटर का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसको हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा है, इसकी वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये हमने देखे कि मैस ऑफ अर्थ का ये फॉर्मूला है, उसमें हमने क्या कर दिया, जितनी भी वैल्यूज थी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, रेडियस ऑफ अर्थ है उसका स्केयर है, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, ठीक है। तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ यानी उसका जो फाइनल आंसर इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आ रहा है 6 × 10⁴ kg, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद जो टोटल मैस ऑफ अर्थ आता है वो कितना आता है, 6 × 10⁴ kg। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या काम किया, हमने एक न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ को यूज़ करते हुए हमने उधर से मैस ऑफ अर्थ को फाइंड किया। तो डियर स्टूडेंट ये जो आर्टिकल था
ये प्योर एक मैथमेटिकल आर्टिकल है, कोशिश करें जितने भी स्टेप हैं इसके दो दो तीन तीन बार हल करें, हल करने के बाद इनकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या कर करेंगे इस काबिल हो जाएंगे कि इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से बार बार लिख सकें, तो इस प्रैक्टिकल अच्छी तरीके से आप इम्तहान में लिख सकें। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये था आर्टिकल मैथ्स ऑफ अर्थ।